चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आईआईटी जेई मेंस, मेंस के बाद एडवांस, एडवांस में भी पहले सिंगल करेक्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर, पेसेज बेस्ड आंसर, सारे आंसर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉट ओनली कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी होते हैं, बट सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो पार्ट मैंने थ्योरी पोर्शन में कवर किया था डिटेल में, उसके थ्रू आप करोगे, आपको कभी फील नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन टफ भी आते हैं। लॉजिकली सिस्टमेटिक तरीके से हमेशा स्टडी करने का फायदा होता है, और ये आप फील भी करते हो कि थ्योरी के बाद आप मेरे पढ़ाए हुए थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, और मेरे साथ मैच करना मतलब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। देखिए जैसे 2002 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इक्वल टू मॉड ओमेगा, मतलब जेड और ओमेगा का मॉड कैसा है, इक्वल है, देन एंड कंडीशन गिवन है आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई। याद रखिएगा कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो इसकी पोलर फॉर्म होती है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम ई पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, राइट ये पोलर फॉर्म हो गई ई पावर आर के साथ, आर के साथ आर इंटू, इसको हम ई पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर सपोज जैसे जेड है, जेड को मैंने लिया आर ई पावर आयोटा थीटा, एंड ओमेगा को सपोज मैं कंसिडर करूं आर ई पावर आयोटा फाई, राइट ई पावर आयोटा फाई। अब इनके मॉड अगर देखें तो क्यों सेम है, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपसे कभी भी मॉड लेने को बोलूं तो मॉड जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो कॉस का थीटा, इसका मॉड लेना एक तरह से, तो कॉस का थीटा साइन का थीटा वन हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, मॉड जेड इक्वल टू आर, तो इन दोनों के मॉड कैसे हो गए, इक्वल हो गए, राइट इन दोनों के मॉड कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हमने आर्गुमेंट लिखा, आर्गुमेंट क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कवर करा है, मतलब होता है थीटा एंड दिस इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो एक तरह से आपको थीटा प्लस फाई इक्वल टू फाई दिया है। अब आपसे जेड पूछा है तो एक तरह से आप सोचिए थीटा को ही छोड़ा तो फाई माइनस फाई, राइट ये माइनस हो गया और पाई के साथ माइनस हो गया, मतलब माइनस ओमेगा बार इसका आंसर हो सकता है, वो कैसे वो बता रहा हूं, राइट अब अगर मैं बोलूं कि आप इसकी पोलर फॉर्म लिखें तो आप इसकी पोलर फॉर्म क्या लिखते, ई पावर आर तो आता ही, ई पावर आयोटा फाई माइनस फाई, राइट तो ये कितना हो जाता है बोलिए, अगर आर्गुमेंट के समय देखें तो ई पावर आयोटा फाई ई पावर माइनस आयोटा फाई, राइट अब ये कितना आर, इसको हम क्या लिख सकते थे, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, राइट एंड दिस इज ई पावर माइनस आयोटा फाई, इसका मतलब ये हुआ ये तो माइनस वन हो गया तो माइनस आर ई पावर माइनस आयोटा फाई। अगर केवल देखिए ओमेगा ये है तो ओमेगा बार क्या होगा, ओमेगा बार होगा आर ई पावर माइनस आयोटा फाई, राइट और इसके आगे एक माइनस और लगा है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल मिला, माइनस ओमेगा बार के, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। हमने यूलर थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखिए कितने सिंपली तरीके से हो गया। आप पढ़ने के पैटर्न को चेंज करिए, सिंपलेस्ट वे में पढ़िए, बिल्कुल बेसिक पे कमांड बनाइए, 11, 12 के कंसेप्ट को स्ट्रांग करो जिस ढंग से मैंने पढ़ाया है, और इतना बेसिक कंसेप्ट बनाओ कि आप कोई भी क्वेश्चन को देख के ये मत सोचो कि आईआईटी का, आप सोचो कि इसमें लॉजिक क्या लगा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, 2002 का ही क्वेश्चन है, इफ मॉड जेड माइनस फोर लेस देन मॉड जेड माइनस टू इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, और देखिए मैं हमेशा रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन करता हूं, मतलब पीछे से स्टार्ट इसलिए करता हूं कि आपको एक और बात समझाना है कि 4 to 5 ईयर बाद क्वेश्चन में किस ढंग से चेंज आता है वो कैच करना है, कि 2002 में जो क्वेश्चन है आप देखेंगे 7, 8 के एग्जाम में या 11, 12 के एग्जाम में किस तरह से चेंज, सेम नहीं होगा पर किस ढंग से चेंज करते हैं ये भी हमें कैच करना है, इसलिए हम पूरा आईआईटी का सीरीज पूरा कंप्लीट 79 से 2017 तक का पूरा कंप्लीट करेंगे और उसमें ये समझेंगे कि किस ढंग से हम क्वेश्चंस को सिंपली तरीके सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाए, और आईआईटी मेंस में भी हम मैक्सिमम स्कोर करें, फुल स्कोर करें मैथ्स में, और एज वेल एज हम बोर्ड अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर करें, या जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हर जगह ये काम आने वाले टॉपिक्स हैं, राइट सबसे पहले बात करें इफ मॉड जेड माइनस फोर लेस देन मॉड जेड माइनस टू इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए कभी भी याद रखिएगा बहुत स्पीड में करा करिएगा क्वेश्चन, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और मॉड जेड हमेशा याद रखिएगा रियल का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी का स्क्वायर होता है. इसका मतलब यहां पर अगर हम समझें तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता था x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन रूट ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. रियल पार्ट के साथ आ गया, इमेजनरी पार्ट के साथ आ गया. सबसे अच्छी ट्रिक्स होती है स्टेप सेविंग. कंसेप्ट भी बनते हैं और स्टेप भी हम सेव करते हैं तो हमारा टाइम कम लगता चलता है. स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन x माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर. क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, माइनस एट एक्स प्लस 16 लेस देन माइनस 4x प्लस 4. लॉजिकली तो ये इधर गया तो कितना हो गया 4x ग्रेटर देन 12 मीन्स x ग्रेटर देन 3. अब x ग्रेटर देन 3 मीन्स रियल z इज ग्रेटर देन 3. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2002 का ही क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है समझे हम. द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टचेज द सर्कल जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए एंड जेड माइनस जेड टू इक्वल टू बी एक्सटर्नली जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले हम समझें, अगर सर्कल का सेंटर सपोज सी है और रेडियस सपोज आर है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, जेड माइनस सी इक्वल टू आर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, वेयर सी इज कॉम्प्लेक्स नंबर है, एच के इसके सेंटर होंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. जेड लोकस है, जैसे जेड के कोऑर्डिनेट सपोज यहां पर एक्स कामा वाई, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बात कर रहा हूं, ये एच के, तो लॉजिकली जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई और सी का मतलब है एच आई एच प्लस आयोटा के. अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन बिना, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना निकालता तो आप क्या लिखते, यही लिखते प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. वही कंसेप्ट यहां पर है. अगर मैं लिखूं तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर, देखिए मॉड लेंगे, मॉड लिखा है h माइनस एक्स का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है. अब जो आपको क्वेश्चन दिया, सपोज एक ही सर्कल है जिसका सेंटर हम ले लेते हैं, c और ये हो गया लोकस और इसका रेडियस हम मान लेते हैं r. तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, इसकी इक्वेशन हुई जेड माइनस सी इक्वल टू आर. अब ये एक अनदर सर्कल है जिसको एक्सटर्नल टच कर रहा है, एक अनदर सर्कल है जिसको एक्सटर्नल टच कर रहा है. राइट, अब एनदर सर्कल है, इसका सेंटर दिया जेड वन रेडियस है, एनदर सर्कल है इसका सेंटर है जेड टू और रेडियस है बी. अब आप कंडीशन बहुत इजीली लिख सकते हैं, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आर है, ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा क्या होगा बताइए. आप बोलेंगे सी माइनस जेड वन इक्वल टू ए प्लस आर. सिमिलरली सी माइनस जेड टू, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा सेंटर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, C माइनस जेड टू या इसको आप Z के टर्म में भी लिख सकते थे B प्लस आर. राइट, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो कुछ ऐसा लिख पाऊंगा, देखिए C माइनस जेड वन प्लस, सॉरी माइनस कर रहे हैं तो R कैंसिल हो जाएगा, माइनस C माइनस जेड टू इक्वल टू A माइनस B. अब लोकस ऑफ C निकालना है आप, तो लोकस ऑफ C मीन्स जेड माइनस जेड वन का मॉड माइनस जेड माइनस जेड टू का मॉड इक्वल टू A माइनस B. अगर ध्यान दें तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक एक्स वाई का टर्म मिलेगा, एक्स वाई का सॉल्व करेंगे तो किसका लोकस आएगा, माइनस का बात है, हाइपरबोला में, तो आंसर होगा हाँ हाइपरबोला. राइट, सिंपलेस्ट वे में हमने इसको सॉल्व किया. नोट डाउन,